नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, सुजॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों पावर सेक्टर की कंपनी है, स्टॉक प्राइस 26.65 रुपये में कारोबार कर रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। 10 अक्टूबर 2023 को नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, 3.5% की गिरावट है दोस्तों। तो सुजॉन एनर्जी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। इस स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है, क्या अपडेट है, क्योंकि पूरे साल भर की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी रही है। 6 रुपये से बढ़कर 29 रुपये तक पहुँच गया है, एक तरह से मल्टीबैगर बन गया है। पिछले एक साल का रिटर्न अच्छा दिया है निवेशकों को जिनके पोर्टफोलियो में सुजॉन एनर्जी है, और कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है। पिछले एक साल से देख रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रोजेक्ट मिल रहे हैं दोस्तों, और कंपनी की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। मल्टीनेशनल कंपनी है और 2030-2032 तक काफ़ी डिमांड रहेगी पावर की। सुजॉन एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नज़र आएगी और प्रोजेक्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। मल्टीनेशनल एक तरह से कंपनी है और पिछले 1-1.5 साल से जो स्टॉक में तेज़ी बनी है तो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को दोस्तों, और जो डेप्थ था वो भी एक तरह से अब धीरे धीरे कंपनी दे रही है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि फंड रेज के बारे में, तो इसीलिए स्टॉक एक तरह से तेज़ी है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो देखने को मिल रही है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट में भी एक तरह से गिरावट है। हमास और इसराइल के बीच जो वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो थोड़ी बहुत घबराहट है मार्केट में। तो सुजॉन एनर्जी में भी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। तो एक्सचेंज ने जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है, तो इसके ऊपर नज़र रखिए दोस्तों, और 100% का मार्जिन रख दिया है। तो इसके वजह से जो इंट्राडे करते हैं, मार्जिन में कारोबार करते हैं, तो वो एक तरह से वॉल्यूम कम हो जाएंगे, और सर्विलांस में रखा है तो प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से देखने को मिल रही है स्टॉक में। और 26.60 रुपये, 26.70 रुपये के आसपास स्टॉक प्राइस है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ 29.80 रुपये को ब्रेक करेगा तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे, और कंपनी को एक तरह से प्रॉफिट ही आ रहा है, लेकिन ये है कि अब सर्विलांस में रखा है करके वॉल्यूम कम हो जाएंगे, इसीलिए स्टॉक में गिरावट है। अब स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, जैसे कि 26.50 रुपये इस वक्त है और आज ही के दिन ये स्टॉक 4% गिरावट के साथ नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। जो सपोर्ट रहेगा इसका 25 रुपये का रहेगा, 25.05 रुपये, 25.05 रुपये के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तब इसमें गिरावट बढ़ जाएगी दोस्तों, 22.80 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अप डाउन रहेगा इसमें, 5% का सर्किट है तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। और जो गिरने का कारण है, स्टॉक को सर्विलांस में रखा गया है एक्सचेंज के द्वारा, काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है ताकि आम निवेशक इसमें फंसे ना जो मार्जिन में कारोबार कर रहा है। तो स्टॉक में जो गिरावट हो रही है तो सर्विलांस में स्टॉक को रखा गया है और देख रेख में रखा गया है, जो उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है स्टॉक प्राइस में दोस्तों। तो ये अपडेट था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।